गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे बुजुर्ग का मामला लेके आए हैं जिनके पास बहुत ही बड़ा दिल है, यानी कि वो लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए में, और कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है फिर दोबारा से एक ढाबा और उसी के साथ एक खाने का और एक ऐसे व्यक्ति का मामला जो कि काफी तेजी से आप लोगों को पसंद भी आएगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है। दिल्ली में एक ढाबा है, बाबा का ढाबा नाम, और वहां पर दो दंपति, जो मतलब कि दंपति थे, एक उनका जो वीडियो है वो वायरल हुआ। उन्होंने यहाँ तक भी अपनी समस्याएं जो बताई कि लॉकडाउन के कारण उनके वहां पर कोई खाना नहीं खाने के लिए आता है, जिसके कारण वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई। काफी सारे सेलिब्रिटीज ने वो वीडियो दोबारा से पोस्ट की, जिसके कारण आज वो काफी अच्छी हालत में है। उस दौरान ही आज हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात के मुरब्बा शहर की, जहां पर बच्चू दादा नाम का एक ढाबा है, और जो बच्चू दादा है वो 72 साल के हैं, और वो लगातार एक छोटे से ढाबे में, जो कि इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, वहां पर लगातार पूरे दिन में 100 से 150 लोगों को खाना खिलाते हैं। और उनकी एक थाली है और थाली का रेट है, और उस थाली में 3 प्रकार की सब्जी, रोटी, चावल, दाल, ये सब चीजें होती है। अगर आप लोग नॉर्मल कहीं पे जाएं तो सब्जी, रोटी, दाल, पापड़, ये सब चीजें अगर एक थाली आप ले तो कम से कम 100 रुपए का तो रेट आप लोगों को लगता है। पर बच्चू दादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको 40 रुपए में बेचते हैं। और यही बात नहीं है, बच्चू दादा के पास अगर कोई और भी आ जाए जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको वो 10 रुपए में या 20 रुपए में भी वही सेम थाली दे देते हैं। या तो वो अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है तो एक्चुअली में वो उनको खिला देते हैं खाना, और उनका कहना ये है कि जब तक जिंदा हूं लोगों का पेट भरना चाहता हूं। हालांकि बच्चू दादा की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, 10 महीने पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पहले उनकी पत्नी और बेटी उनको ढाबे में हाथ बटाती थी, और उसी के साथ साथ अभी वो अकेले रह गए हैं, और अभी भी अकेले होने के साथ साथ ये जो बीड़ा है वो उठा के बैठे हैं। वहां पर जो मुरब्बा शहर है वहां पर एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ है, और उसी के कुछ नजदीक ही उन्होंने अपनी झोपड़ी में अपना जो की रहना है वो किया हुआ है। उनका कहना ये है कि 40 रुपए मैं इसलिए लेता हूँ कि ये खर्चा जो है वो निकल पाए, आखिरकार मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तब तक लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ। हालांकि उनका नाम और उनका ये ढाबा बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। एक व्यक्ति से हमने बात की जिसका नाम है रमेश। रमेश बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, नजदीकी गांव में रहता हूँ, कम से कम मुझे 1 से 2 महीने हो गए हैं मैं यहाँ पर लगातार खाना खाने के लिए आ रहा हूँ, और जो बच्चू दादा है वो मुझसे पैसे भी नहीं लेते हैं और मेरा पेट भर रहे हैं। उनको भगवान हमेशा ही खुश रखे। हालांकि हम भी ऐसे लोगों को यही चीज बोलना चाहेंगे कि आप हमेशा ही खुश रहिए, क्योंकि जैसा आप काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपके ऊपर नजरें रखे हुए है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।